हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ मेरी सारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट फ्रॉम यू। मैंने लास्ट जितनी वीडियो डाली है उस पर लोगों ने काफ़ी शेयर किया, कमेंट दिए हैं, थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियो में आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे। आज हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट, जिसके अंदर कैसे शोल्डर पम्प कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे वो सिखाऊंगा। प्लीज़ लाइक शेयर करें माई चैनल बॉडी मेकर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर वर्कआउट। इसके अंदर पहले आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी करनी है, उसको आपको कंटिन्यूशन में करना है, रुकना नहीं है। और हर एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप करने हैं एज पर योर कैपेसिटी। अगर जो बिगनर है 15 करें, नहीं तो 20 कर सकते हैं। और आपको सिर्फ पर ये ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूशन में करना है। हैंड रेजेस ताकि आपके फ्रंट शोल्डर को पंप कर सके। 20. आपको नीज बेंड करने हैं सीधा एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये थी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, सिर्फ अपने हैंड मूवमेंट से कैसे करते हैं शोल्डर पंप। लास्ट एक्सरसाइज में आपको तीन एक्सरसाइज करने के बाद एक सेट होगा, तो इट मीन आपकी 3 हैंड मूवमेंट के बाद एक सेट बनता है। तो मेक श्योर आप उसको 10 से 12 शुरू करें। नाउ अब हमारी एक्सरसाइज है विद वेट के, हमने शोल्डर पंप करनी है। आपके ऐसे डंबल्स वगैरह नहीं है, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक अ फुल बिग बोटल्स, 2 से 2.5 लीटर की बोटल लेनी है, जिसके अंदर फिल हो, पानी का फिल हो, और सिर्फ सेम वेट की बोटल लेनी है, उससे आप शोल्डर पंप कर सकते हैं। सी हाउ कैन वी शो पे पंप द शोल्डर्स। दो बोतलें 2.5 लीटर की, 2.5 लीटर की ये दो बोतल है, इससे हम देखिए शोल्डर पंप करेंगे। फर्स्ट इज साइड लेटरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फ्रंट शोल्डर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फ्रंट रेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेंड शोल्डर, बेंड रेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arnold press, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 up. Last one is upright rows, 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। मेक श्योर जब आप वेट लें बोटल्स का, इस सेट्स को दो बारी जरूर करें एंड इट शुड भी कंटिन्यूशन में करेंगे, आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं और कंटिन्यूशन में सेट्स को करेंगे। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर में अच्छा पंप आएगा एंड यू विल फील द पंप इन शोल्डर्स। उसके अलावा आपकी शोल्डर की स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मेक कमेंट इफ यू रियली लाइक इट। थैंक यू।